जैसा कि बताया गया कि आज मैं अपने मंत्रालय के सब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्रीनगर आया। मेरे साथ विक्रम साहे, संयुक्त सचिव सूचना प्रसारण, डीजी ऑल इंडिया रेडियो श्री रेड्डी, श्री मयंक अग्रवाल डीजी दूरदर्शन, ये भी मेरे साथ आज दिल्ली से इधर आए हैं। हमने आज मुख्य सचिव और उनके अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक करी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा, उसका पूरे भारतवर्ष में लोगों तक उसकी तैयारी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचाना, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु इस यात्रा में इस वर्ष समावेश हो सके और वो लोग बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सके। उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिवीजनल कमिश्नर जम्मू के और कश्मीर के वो भी उपस्थित थे, डीसी गंडरबल के और रामबन के वो भी उपस्थित थे। जैसा हमारी चर्चा हुई उससे इस वर्ष जो जम्मू और कश्मीर का प्रशासन है उन्होंने पूरी तैयारी करी है कि इस वर्ष की यात्रा आज तक की जितनी अमरनाथ यात्रा हुई है उनमें सबसे भव्य हो। अपेक्षा यह है कि 6 से 8 लाख श्रद्धालु इस वर्ष अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। ये संख्या आज तक जो लोग यात्रा हुई है, अपेक्षा यह है कि ये आज तक की यात्राओं से दुगनी होगी। और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था, चाहे वो पीने के पानी की हो, चाहे रहने की हो, चाहे टॉयलेट्स की और सैनिटेशन की हो, चाहे रहने की हो, इस हिसाब से करिए कि जो आज तक की सबसे भव्य अमरनाथ यात्रा हो उससे दुगनी इस बार की हो। और हमारा प्रयास यहां आने का यही है कि ये जो प्रशासन ने जो काम किया है इसकी हम इन्फॉर्मेशन आपके माध्यम से पूरे देश में सब श्रद्धालुओं को दे सके कि आपका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की तरफ से आपको न्योता है कि आप इस बार यात्रा में सम्मिलित हो और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। पूरी व्यवस्था प्रशासन ने पूरी तरह से चोख व्यवस्था करी है। जैसा बताया गया कि पहले जम्मू से श्रीनगर रोड मार्ग पे बस को आने में 12 घंटे लगते थे, परंतु अब 5 से 6 घंटे से अधिक इस रास्ते पे नहीं लगते। पहले जम्मू से श्रीनगर आने में रास्ते में एक दिन का विश्राम करना पड़ता था, परंतु अब क्योंकि रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि आप 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, तो वो एक दिन यात्रा का कम हो जाएगा क्योंकि आप सीधा जम्मू से शुरू होंगे और यहां श्रीनगर पहुंच सकते हैं। रामबन में 3,000 श्रद्धालुओं को के रहने की व्यवस्था करी गई है। जैसा डिप्टी सीओ श्राइन बोर्ड ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आरएफआईडी टैग उपलब्ध किया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी की पूरी चौक व्यवस्था रहे, कौन कहां है उसका पता चलता रहे। और पूरी व्यवस्था में कोई भी किसी भी श्रद्धालु को कोई किसी तरह की परेशानी ना आए, इसका जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम ये जो यहां पर व्यवस्थाएं करी गई हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भारतवर्ष में सब क्षेत्रों में सब भाषाओं में लोगों तक पहुंचाए और वहां लोगों को इसके लिए और हम जिससे कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु यहां आ सके और लोगों को साथ ही यहां पर जब आते हैं अमरनाथ की यात्रा में तो केवल यात्रा ही नहीं, जो कि जैसे कि हमेशा होता है बालतल और पैर और चंदनवाड़ी से चलेगी, उसमें जो 4-5 दिन लगते हैं, पर उसके साथ ही जो आज कश्मीर की वैली की स्थिति है और जहां जितने पर्यटक आ रहे हैं
माननीय उपराज्यपाल ने अभी 2-3 दिन पहले ही कहा कि पिछले 6 महीने में जितने यहां पर्यटक आए उतने पर्यटक जम्मू एंड कश्मीर में आज तक कभी नहीं आए। 80 लाख की संख्या में इधर पर्यटक आए हैं, तो वो भी यहां यात्रा के साथ साथ 3-4 दिन और अधिक रहें, और इस तरह का क्या क्या वो कर सकते हैं इसकी एक फिल्म एक बनाई जाए जिसको हम विविध भागों में दिखाएंगे। हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि सिनेमा थिएटर्स में जो फिल्म चलती है शुरू में 1 मिनट की या 2 मिनट की सोशल मैसेजिंग की, उस तरह की फिल्म बना के भी हम सारे थिएटर्स में पूरे भारत में दिखाएं, जिससे कि लोग यहाँ आने के लिए उनका मन करे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो है आना चाहते हैं अमरनाथ में के दर्शन करना चाहते हैं अमरनाथ जी के, वो यहाँ पर आए। साथ ही हमारी चर्चा ये भी हुई कि यहाँ पर पिछले 2.5 वर्षों में बहुत विकास कार्य हुए हैं, और ये विकास कार्य किस प्रकार के हुए हैं इसको पूरे भारत में पहुंचाना, लोगों का जानना ये आवश्यक है, और उसके लिए हम यहाँ प्रयास करेंगे। विविध स्तरों पे जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका अधिक से अधिक प्रचार और लोगों को तक पहुंचाना वो हमारा काम है, और जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन के साथ हम ये काम करते रहेंगे जिसमें आपका सहयोग हमें बहुत आवश्यक है। जब आप आते हैं अमरनाथ जी की दर्शन तो करेंगे ही, पर साथ में आपको जो है यहाँ आप और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चाहे वो पहलगाम हो चाहे गुलमर्ग हो, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आप और 2-4 दिन एक बार आते हैं जब ये पूरा इतना परिश्रम करके जहाँ तक अमरनाथ जी का यात्रा करते हैं, तो साथ में 2-4 दिन आप कैसे अपने और व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की वादियों में जो सुख आपको प्राप्त होगा वो कैसे और प्राप्त हो सकता है। ऑफ कोर्स एज यू सेड, बिकॉज व्हेन पीपल कम फॉर द यात्रा, यात्रा इज वन पार्ट, एंड व्हेन दे कम टू कश्मीर एंड दे कम टू श्रीनगर और टू एनी अदर प्लेस, देन द हॉस्पिटैलिटी इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ दैट, दे विल हैव टू स्टे इन सम होटल, दे विल हैव टू यूज सम फैसिलिटीज हेयर, एंड वी वुड लाइक एक्चुअली दैट हाउस बोट्स एंड ऑल सच फैसिलिटीज आर शोन, दैट दीज आर द काइंड ऑफ फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल, एंड दे कैन एंड टूरिस्ट कैन कम एंड अवेल ऑफ सच फैसिलिटीज विच आर नॉट अवेलेबल एनी वेयर एल्स इन द कंट्री। No, I would rather stick to the agenda for the press conference, and other things can be taken up later. And as far as the security of the Amarnath Yatra is concerned, the earlier also arrangements have been made, which have been very, very extensive. Details of security arrangements, of course, cannot be discussed in a press meet, but then we can assure on behalf of the administration that the security arrangements will be foolproof. And evidence of that is the number of tourists which are coming here, the kind of tourist influx which we have seen Srinagar. Jitne tourists is samay Srinagar mein hai, main bhi mere khayal se Kashmir mein pichle 35 varshon mein 8-10 baar to aa chuka hoonga, aur vivid samayon pe aaya hoon, jab jo hai kabhi bahut परेशानी थी, कभी ठीक था, कभी कुछ था, पर जैसा इस समय मैं देखता हूं ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। दिल्ली से ही मैं जो उस दिन अपनी फ्लाइट देख रहा था, मेरे ख्याल से 30 या 35 फ्लाइट थी दिल्ली से, जो डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर आ रही है। जैसा कि बताया कि मुख्य सचिव ने जो हमें बताया उसमें यह बताया कि इस बार जो भी व्यवस्था करी जा रही है वो दुगनी करी जा रही है, जो पिछली भी सबसे जो अधिक यात्रा में जो श्रद्धालु आए उससे दुगनी की व्यवस्था करी जा रही है, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की हो, चाहे रहने की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, और चाहे सैनिटेशन की। तो 6 से 8 लाख जब व्यक्ति आते हैं तो उसके लिए उतनी व्यवस्था करी जा रही है। साथ ही इस बार 1 दिन की यात्रा मेरे ख्याल तो उनका अनुमान ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो है जम्मू से श्रीनगर आने में 1 दिन का जो हॉल्ट होता था वो कम हो जाएगा, और RFID टैग तो जैसा बताया, और रामबन में जैसा उन्होंने जो है कहा कि 3,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था भी करी गई है, और बाकी तो सारी व्यवस्था पहले से सुरेख लोगों को देख के लगेंगी। 3-4 महीने पहले हम लोगों ने एक वेबिनार भी किया था अप्रैल मई के महीने में, और उस वेबिनार में हम लोगों ने जो नई डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आए थे
that was brought in on 25th February last year in 2021. And we did a webinar with a lot of people, and some of you might have also been there. And these concerns of some of the YouTubers and other news portals may not be having certain requisite qualifications, they are running such channels. So obviously, even for a private channel or a newspaper, there are no such qualifications. But what we want is, and that is what we discussed, that we have a certain code of ethics. These code of ethics are applicable whether you are a newsprint or a news channel or even for a social media news publisher. So those code of ethics have to be followed by all. And those who in any way are contributing, there is a system of grievance redressal, and so that everybody falls in that line. So gradually things will improve. Obviously it is a new rule. People are coming to know about it. And that sense of discipline amongst the people who are there on the digital newspaper, so that will happen gradually. We will be seeing what the upward trends or downward trends in the COVID come, and standard protocols will be implemented completely in totality. ऐसे 8 लाख के संख्या के लिए सारी जितनी भी हमारी इंड्रो जितनी भी है फैसिलिटीज उनको 60% के हिसाब से एनहांस किया गया है, और साथ साथ में सफाई इन्वायरमेंट और साथ साथ में सैनिटेशन का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है. विल इंश्योर कि ना सिर्फ यात्रा एरिया में बट आउटसाइड द यात्रा एरिया ऑल्सो द एनवायरमेंट की कंसर्न्स आर कंप्लीटली एंड फुली टेकन केयर. और मुसलमान जो सब साथ रह के जो यात्रा होती है उसका ये एक ज्वलंत उदाहरण है. और इस बार की यात्रा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में देखी जाएगी कि ये हमारी जो ट्रेडिशन है हिंदुओं की और मुसलमानों की यात्रा में एक साथ शामिल होने की वो किस तरह से सक्सेसफुल होती है. धन्यवाद.